हम ये कैंप जो है हम दर्शक के और हमदर्द जन कल्याण की तरफ से लगाने जा रहे हैं, जो कि सरकार की तरफ से जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो फैसिलिटीज़ लोगों तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए हम ये शिविर लगा रहे हैं। और इस शिविर के अंदर लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा है, लोगों को अनाज मिलने में बड़ी समस्या आ रही है लोगों को, उसके लिए क्या करना है? अब उसके लिए जो हम शिविर लगा रहे हैं लोगों को बताएंगे, आगे जो है हम गवर्नमेंट से बातचीत करेंगे, इस बारे में हम सब उनको बताएंगे कि भाई इसी तरह से हमदर्द ने इससे पहले क्या क्या कार्य किए हैं। हमारे हमदर्द ने इससे पहले हमने जो है महात्मा गांधी हॉस्पिटल और दूसरा JNU हॉस्पिटल जो जगतपुरा में है उसके ज़रिए से जो है हमने कई मेडिकल कैंप लगाए, डिलीवरियाँ फ्री करवाई हैं, ऑपरेशन फ्री करवाए हैं, और इसके अलावा जो है और आयोजन किए हैं, इसके अलावा हमने जो है ब्लैंकेट बांटे हैं गरीबों को SMS हॉस्पिटल के पीछे। और कैंप आयोजन करने जा रहे हैं, उसका स्थान क्या, कितने दिन का ये कैंप है? वो उसका 3 दिन का कैंप है, 5, 6, 7 तारीख का, और उसके बाद में जो है ये आज़ाद नगर के अंदर जो है सामुदायिक केंद्र है उसमें लगाया जा रहा है, और इसके पंपलेट वगैरह बटवा दिए गए हैं और जगह जगह जा कर के इसके जो है बैनर्स लगवा दिए गए हैं। ताकि मैं शमीम फारूकी हूँ, इस संस्था हमदर्द का जो है प्रेसिडेंट हूँ, और इसको करीबन हमें 4.5 साल हो गए चलाते हुए, और हमारी संस्था इस मामले में कामयाब जा रही है। जैसे स्कीम से जैसे अशोक समिति योजना है, भामाशाह योजना है, खासतौर पर हमारे सामने अभी कुछ बातें निकल के आई है, जैसे भामाशाह है, लोगों के भामाशाह बना तो दिए गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो उसमें ये रहता है कि साहब भामाशाह चालू नहीं है, भामाशाह व्यक्ति कराओ, फिर उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम लोगों ने ये किया कि जैसे अभी ये संस्था है शमीम साहब की और हमदर्द जन कल्याण संस्थान है, उसके साथ में हम लोग ये शिविर का जो आयोजन कर रहे हैं, इसमें जब लोगों की ऐसी समस्याएं सामने निकल कर आएगी तो उन डिपार्टमेंट से संबंधित जगहों पर हम लोग उनकी एप्लीकेशन भरवा के उन लोगों को वहाँ से जो भी सहायता वगैरह मिलनी है या उनकी जो भी एक्टिविटीज़ है उसके अंदर जो भी कमियाँ हैं उनको दूर करवा के उसको पूरा करवाएंगे। कितने दिन का ये कैंप होगा और इसके अलावा कितने और कैंप इसमें इसके बाद हम लोग अभी क्या किए, तो 3 दिन का कैंप है जिसमें 5, 6, 7 तारीख को आज़ाद नगर सामुदायिक केंद्र में लगा रहे हैं। इसमें इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो जयपुर के स्लम्स एरियाज हैं जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 40-45 एरिया स्लम एरियाज है उनको चिन्हित किया है, उसके अंदर हम लोग 3-3 दिन के कैंप लगा के लोगों को सबसे पहले तो उन योजनाओं के बारे में बताएंगे और उसमें उन लोग के फॉर्म भर के उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे, सबसे पहले ये बताएंगे कि उनके लिए कौन कौन सी योजना है, लेबर कार्ड है, भामाशाह कार्ड है या योजनाएँ हैं, उनकी जानकारी भी उनको देंगे। उसके बाद उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अगर कोई कमी है, उसके अंदर कोई त्रुटि वगैरह है, कोई कमी है, तो उसको पूरा करवा के उसके आवेदन फॉर्म भरवाएंगे और वो संबंधित जो डिपार्टमेंट है उसका वहाँ सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद फिर उसका जो फॉलोअप है, जब तक उनको उसका लाभ नहीं मिल जाता तब तक हम उन लोगों के साथ रहेंगे। और उन लोगों के सर मोहम्मद मुस्तफ़ी मंसूरी, जयपुर से बिलोंग करता हूँ और हर दशक में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। जी।